हेलो गाइस, होम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हमारे पास है एक स्टेबलाइज़र और ये एक 200 VA का स्टेबलाइज़र है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इसका हुआ क्या कि कल चलते चलते अचानक से ये बंद हो गया, तो मैंने खोल के चेक किया तो अंदर के जो सारे कंपोनेंट है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है, सब ठीक है। फिर मुझे पता चला कि ये जो मेन पावर सप्लाई का केबल है ये ख़राब हो चुका है। इसके अंदर से जो कॉपर की वायर है वो टूट गई है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो आज की वीडियो में हम इसी को चेंज करेंगे और ये चीज़ हो सकता है कि आप में से भी किसी के साथ हुआ होगा, तो इसको चेंज करना बहुत ही आसान है। तो मैं इसको फटाक से खोल लेता हूँ और आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन दिया हुआ है उसको दबा दीजिए। सो गाइस, मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये देखो, ये रहा इसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हमारे अभी पहले इस तार को बाहर निकालना पड़ेगा। ये रहा इसका फेस जो लगा था वहाँ नीचे फ्यूज के साथ में, वहाँ पे नीचे। और ये है न्यूट्रल, न्यूट्रल लगेगा ऑटो कट सर्किट बोर्ड में। और ये अर्थिंग, अर्थिंग का एक वायर आ रहा है मेन से और दूसरा जो ब्लैक वायर है वो जाके लगेगा स्टेबलाइजर की बॉडी में। तो इसको खोल लेते हैं पहले। तो ये निकल चुका है, चलिए अभी इसको भी काट देते हैं, बाद में शोल्डर से इसको निकाल दूंगा। ये रहा अर्थिंग, ये ब्लैक वाला वो हाँ नीचे बॉडी के साथ में लगा हुआ है ग्राउंड के लिए। तो अभी मैं इसको काट लेता हूँ न्यूट्रल को, ताकि हम ये पूरे मतलब पूरे वायर को निकाल सके केबल को। यहाँ से काटना पड़ेगा इसको। तो मेरे पास है इसको काटने के लिए प्लस आ गया, एक मिनट। तो मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से। तो अभी इसको निकाल लेंगे। अभी ये जो तार है ये किसी काम का नहीं है, तो इसको पहले निकाल लेता हूँ मैं। तो गाइस, ये वायर निकल चुका है, तो उसको बाद में शोल्डर से उठा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है वो वायर, इसके साथ वो बॉडी में लगा हुआ था ताकि बॉडी शॉर्ट ना हो सके। तो अभी हम इसमें नया तार लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसका जो फेस है उसको फ्यूज़ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फ्यूज़ लगा लेते हैं। सो गाइस, ये वाले वायर का यूज़ करूँगा मैं, ये 1 mm का है। न्यूट्रल फेस और ग्राउंड के लिए तीन तार 1 mm की कॉपर वायर है। जैसे कलर अलग होती तो पहचानने में आसान होता,
लेकिन कोई बात नहीं, हम भी ठहरे जुगाड़ू इंसान, कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे, तो चलिए करते हैं। सो गाइस, अभी मैंने इन वायर्स को सही साइज में काट लिया है तीनों को। अभी इन तीनों को साथ में ट्विस्ट करना पड़ेगा। वैसे इनके ऊपर मैंने सेलो टेप लगा दिया है, तो ऐसे ट्विस्ट करेंगे। और गाइस, इसमें मैं ये वाला 3-पिन प्लग का यूज़ करूँगा। ये 240 वोल्ट 6 एम्पियर तक का लोड उठा सकता है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। तो चलिए पहले हम तार को, तीनों तार को एक साथ ट्विस्ट करेंगे, मतलब एक के ऊपर एक रख के उसके बाद इसके साथ कनेक्ट करेंगे। चलिए करते हैं। तो गाइस, मैंने इन तीनों तारों को एक साथ अच्छे से ट्विस्ट कर दिया है, ये देख लो। और इसमें भी लगा दिया प्लग के अंदर में न्यूट्रल फेस ग्राउंड। तो चलिए अभी इसको डालते हैं स्टेबलाइजर के अंदर, उसके बाद करते हैं इसका कनेक्शंस। चलिए तो हमने तार को अंदर ले लिया है। एक मिनट, ये है न्यूट्रल और हमारा न्यूट्रल ये रहा, तो ये यहाँ पे लगेगा, ये फेस सीधे जाके लगेगा फ्यूज में। वो रहा नीचे फ्यूज, लेकिन फ्यूज़ के साथ एक दिक्कत है। ये वो ट्यूब वाला फ्यूज़ है जिसके अंदर में एक पतली तार लगी हुई होती है, तो वो मेरे पास अभी नहीं है। तो हमें यहाँ पे अलग से एक फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। उसके लिए पहले इसको निकलता हूँ बाहर। बहुत ही नहीं घुस रही है अंदर में। निकल जा भाई। सुगा से रहा फ्यूज, तो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक पतली वायर लगा देंगे। तो चलिए लगाता हूँ पहले। सुगा से मैंने लगा दिया इसका फ्यूज, ये देखो। तब इसको वापस से लगा देते हैं वहाँ पे। सो गाइस, मैंने फ्यूज़ को अपनी जगह पे लगा दिया है और साथ में हमारे मेन पावर सप्लाई का केबल भी लग चुका है। ये देख सकते हो आप, ये है हमारा फेस इधर आते हुए और यहाँ पे लग जाएगा सीधे DP स्विच के इनपुट में। और ये है हमारे न्यूट्रल जो लगा है ऑटो कट की सर्किट बोर्ड में। सो गाइस, इसका कनेक्शन आप लोगों ने देख लिया है। वैसे बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। जहाँ पे आपका पुराना वायर लगा हुआ था वहीं पे आपको अपना नया वाला वायर लगाना पड़ता है, बस, और काम ख़त्म। तो इतना ही था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मैं इसमें करंट देख के देखता हूँ कि कनेक्शन सही हुआ कि नहीं। सो गाइस, मैंने प्लग को लगा दिया है सॉकेट में। अभी चेक कर लेते हैं कि हमारा नया वायर काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हमें इसके पीछे जो एक स्विच होता है उसको दबाना पड़ेगा, जिससे हमारा वोल्टमीटर वोल्ट शो कराता है कि कितना वोल्ट
आउटपुट में जा रहा है। तो देखिए बॉडी में कोई करंट नहीं है, मतलब सही है। ये देखो बॉडी में कोई करंट नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कितना वोल्ट शो कर रहा है। तो ये रहा इसका स्विच, ये रहा, इसको दबाएंगे तो वोल्ट शो करेगा। सो गाइस काम कर रहा है हमारा स्टेबलाइजर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।